वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं और आज है रिपब्लिक डे, जिसके लिए हम तैयार हो गए। और आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, हम तैयार हुए हैं और पार्थ अभी नहाया नहीं है। पार्थ अभी नहाएगा। पार्थ बोल दो तो जय हिंद। हाँ ठीक, आप पहले बोल दो जय हिंद। जय हिंद अच्छा से कहो। हटो, बदमाशी करता है ये बात। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो हमने कुर्ती सिला था वो, और ये इयररिंग वही है जो हमने बनाया था। आप लोगों को याद होगा ग्रीन कलर का है जो इसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। तो हम दिखाते हैं आप लोगों को फुल लुक। ये है मेरा फुल लुक। नीचे जीन्स पहना हुआ है और ये व्हाइट वाला वही वाला कुर्ती है जो हमने सिला हुआ था। और यहाँ पे टैसल्स लगा दिए हैं ताकि लगे कि हाँ रिपब्लिक डे है, नहीं तो ऐसे सिंपल कुर्ती हो जाता। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा लुक देख के? जरूर आ गए हैं किचन में और बनाते हैं यम्मी यम्मी सा खाना। आज पहले नहीं बताएंगे आप लोगों की आज क्या बनेगा खाने में। आज आप लोग खाना बनेगा, उसके बाद देखना कि आज क्या बनने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट। तो अभी तैयारी कर रहे हम जलेबी बनाने के लिए, जिसके लिए हमने मैदा लिया है और ये दही है। इसमें डालेंगे हम सोडा, खाने वाला सोडा, थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा, मतलब जितना सोडा उतना ही ये भी। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग सोडा सोडा है जो अच्छे से मिल जाए, नहीं तो पानी डालने पे वो कहीं कहीं रह जाएगा, कहीं नहीं अच्छे से मिल पाएगा, इसलिए पहले ऐसे मिला देते हैं। अब इसमें डाला हमने एक कप दही, या फिर ये जो कटोरा आप लोग देख रहे हो ना, इसी से जितना था उतना डाला हमने। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी से हम जैसे जलेबी वाला जितना गाढ़ा घोल होता है ना, वैसा बनाएंगे, बट उससे थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे अभी, क्योंकि आधे घंटे बाद जब फॉर्मेट हो जाएगा ना तो थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा गाढ़ा ही घोलते हैं तो सही रहता है। नहीं तो पहले ही आप पतला कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और मोटा रहेगा मतलब गाढ़ा घोल रहेगा तो बाद में लगेगा गाढ़ा, तो थोड़ा सा पानी मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमने तैयार कर लिया है घोल, और बस थोड़ा सा इसे फेंट रहा है। ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि आधा घंटा तक फेंटते रहो आप, नहीं, बस थोड़े से जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छा दिखने लगे कि हाँ प्रॉपर फिट चुका है तो हो जाएगा। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और इधर हम सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि शिमला मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, नहीं तो ऐसे बिना फ्राई किए हुए डाल दो ना तो सब्ज़ी में हमको उतना टेस्टी नहीं लगता, तो इसलिए हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए ये फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तेल मतलब ज़्यादा तेल ना निकालें, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे निकालें कि तेल ज़्यादा ना जाए शिमला मिर्च के साथ। और अब बचे हुए तेल में हम डाल देंगे पंचफोरन। ये एक चम्मच पंचफोरन है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है रेगुलर से। और ये गया अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन चला जाए। तो ये भून गया है, अब इसमें हमने डाल दिया एक प्याज लंबा कटा हुआ, और इसे हम भून लेंगे प्याज को भी। तो देखिए प्याज भी भून गया, इसमें हमने आलू डाल दिया है। अब आलू को थोड़ा देर भूनेंगे ताकि पक जाए आलू। तो देखिए आलू थोड़ा भून गया है, अब इसमें हम नमक डाल देते हैं और मसाले डाल देते हैं, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, ये जीरा पाउडर हो गया, गरम मसाला पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर हो गया, बस अदर कुछ मसाले इसमें नहीं पड़ेंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें भूनना है, मतलब थोड़े देर 5-10 मिनट तो भूनना ही है ताकि आलू अच्छे से भून जाए और मसाले भी भून जाए। तो देखिए मसाले और आलू भून गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, जो भुना हुआ शिमला मिर्च था ना वो वाला, और इसके साथ ही हम टमाटर डाल देंगे जो चौकोल आकार में कटा हुआ, जैसे शिमला मिर्च कटा हुआ है ना वैसा ही कटा हुआ डालना है, बारीक कटा हुआ नहीं डालना है, नहीं तो फिर उतना यम्मी नहीं लगेगा देखने से भी, तो इसलिए। और इसमें अब कुछ नहीं डालना है, बस लास्ट में धनिया पत्ता डालना है, और ऐसे ही भून के जब पक जाए शिमला मिर्च टमाटर तो गैस को बंद कर देना है। तो इसे हम ढक के पकने देते हैं। और ये देखिए हमने सैलेड काट के तैयार कर लिया है, ग्रीन और ऑरेंज। और यहाँ पे चाशनी भी बनने के लिए रख दिया है जलेबी के लिए, और इधर दूध भी गर्म कर रहे हैं। सब्जी बन गया है मेरा, तो इसलिए सब्जी को साइड में रख दिया है। और ये जलेबी वाला बैटर है जिसे हम अच्छे से फिर से एक बार फेंट ले रहे हैं। तो देखिए कैसा दिख रहा है, अब बस इसे पॉलिथीन में डालना है और जलेबी बनाना है। थोड़ा सा जस्ट ऐसे फेंट दे रहे हैं एक बार।
और अब इसमें डालेंगे हम फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। आपके पास केसर है तो केसर के धागे आप चाशनी में डाल दो तो वो कलर आ जाता है, बट ये फूड कलर है ना तो इसलिए हम बैटर में ही डाल रहे हैं ताकि मतलब अच्छा कलर आए, चाशनी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप चाहो तो चाशनी में भी डाल सकते हो, बट हम इसमें यूज कर रहे हैं। और इसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे, एक बार मिला लेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। तो देखिए ये मिल चुका है। अब हम लाएंगे पॉलिथीन और उसमें भरेंगे, क्योंकि मेरे पास डब्बा नहीं था। सॉस वाला डब्बा रहता तो उससे भी बन जाता, या फिर मोटा कपड़ा रहता तो उससे भी बन जाता, बट है नहीं मेरे पास मोटा कपड़ा और डब्बा भी कोई नहीं है, या फिर कोई छेद वाली कोई बर्तन भी नहीं है, तो इसलिए हमें पॉलिथीन में भरना पड़ रहा है। ये दूध वाला पॉलिथीन है, आज ही आया था दूध, तो फिर उसे धो के अच्छे से साफ़ करके और कपड़े से पोंछ के सुखा लिया था। और इसमें हम भर रहे हैं बैटर। तो इसमें बैटर भर लिया हमने, और इसका एक कोन कैची से काट देंगे थोड़ा सा बनाने से पहले, ये वाला, और इसे रख देते हैं। तब तक कढ़ाई गरम कर लेते हैं तेल। तो देखिए जलेबी बन गया है, इतना सारा अभी इतना इसमें बन रहा है, तो थोड़ा सा और है तो सोचा सब निकाल लेते हैं। मतलब बहुत साल पहले बनाया था जलेबी, फिर बहुत साल, तो जलेबी ऐसी चीज है ना कि प्रैक्टिस की चीज़, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो मतलब बहुत शेप में आती है, और प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है तो जैसे मेरा बना, तो हम टेस्ट करके बताते हैं आप लोग की जलेबी कैसा है। बहुत ही यम्मी है, लग ही नहीं रहा कि मैंने बनाया है। बहुत जूसी है, और खाएगा बाबू। हमें लगा जलेबी जल गया मेरा, बट बच गया। अब इस टाइम कोई बाहर से तो जलेबी खा नहीं सकता, बाहर से आता तो जलेबी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हम लोग आजकल थोड़ा बाहर की चीजें नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसलिए घर पे बनाना पड़ा। बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, बनाते बनाते बहुत कुछ सीख जाएंगे।
तो अब हम बेल रहे हैं पूड़ियाँ, सोचा जल्दी जल्दी बेल लेते हैं उसके बाद से तलते हैं, नहीं तो ऐसा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब रखेंगे कड़ाही और तलेंगे गरम गरम पूड़ियाँ इस वाले कढ़ाई में, करेंगे ये इसलिए नहीं फ्राई करने इजी रहते, कम तेल में फ्राई हो जाता है, उस बड़ी वाली कढ़ाई में ना ज़्यादा तेल भी लगता है, फ्राई भी अच्छे से नहीं होता। जिलेबी खा के बता कैसा कैसा लगा? सही है, इनको भी सही लगा, थोड़ा सा तेल है, चलो इसको बस पूरी तला गया, खाना बन गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। और भी एक आइटम बनने वाला था वाइट कलर का, बट बहुत लेट हो गया, सबको भूख लगी हुई है, इसलिए नहीं बनेगा, सिर्फ इतना ही बनेगा। जल्दी जल्दी फटाफट पूड़ियाँ तलते हैं। केवल कांडे होता है तो पूड़ी रखना चाहिए तो बीच में रखा गया, बड़ा वाला में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो हम खाना स्टार्ट करते हैं और बता दें आप लोगों को खाना कैसा लग रहा है। बहुत यम लग रहा है सब्जी, सोचा नहीं था इतना यम लगेगा सब्जी। जिलेबी पूरी खाते हैं, पार्थ खाना कैसा लगा? पार्थ को जिलेबी बहुत यम्मी लगा, मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा था दोबारा आया था मांगने के लिए। पूरी सब्जी बहुत यम्मी लग रही, तो खाना बहुत ही अच्छा था आज का, और आज का दिन भी बहुत अच्छा गया अब तक का। और पार्थ भी तैयार हो गया है, ऑरेंज ऑरेंज कपड़ा पहन के, देखिए आपने क्या किया है ना इसमें इसमें इतना सारा चिमटा कपड़ा वाला अपने से ला के लगा लिया है। इसका ना एनी टाइम का यही कारनामा रहता है, कुछ ना वो करता ही रहता है। ये अभी देखिए आप लोग ये कैसे लगा रहा है, ये नया फैशन है कपड़ा दे में ही सुखा लो चिमटा लगा लगा के, नहीं पार्थ हाय बोल दो एक बार। तो आज का दिन तो ख़त्म हो गया, और अगर आपको ख़त्म नहीं हुआ अभी तो आधा दिन बाकी है, आधा दिन ही ख़त्म हुआ है, खाना पीना हम लोग का हो गया है, और खाना बहुत ही सच में बहुत ही यम्मी लग रहा था शिमला मिर्च की सब्ज़ी। उसमें सबसे खास बात पता है किस चीज़ की वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था? पंचफोरन की वजह से, पंचफोरन से छौंक लगाया था ना तो उसकी वजह से ज़्यादा ही अलग टेस्ट आ रहा था और अच्छा लग रहा था बहुत।
तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कह दो जय हिंद, बोल दो तो जय हिंद, जय हिंद, ऐसे करके बोल दो, ऐसे करके, ऐसे बोल रहे थे ना, जय हिंद, जय हिंद, गुड।